नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का लर्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नो कंप्यूटर एंड इंटरनेट क्रोम ब्राउज़र टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो पहली ट्रिक्स है हमारी, सबसे पहले देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउज़र में चलेंगे। ये मेरे चैनल का लोगो है, आपकी पहचान के लिए मैंने अपनी वीडियो में लगा दिया है। यहाँ पर देखिए ये एक आर्टिकल है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर, और मुझे इसका जो है ये मटेरियल पढ़ना है, और हम चाहे तो इसे बुकमार्क भी कर सकते हैं, पर फ़िलहाल अभी मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो यह कंट्रोल पी करके आपको या चेंज पे क्लिक करके इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, ताकि हम इसे फिर बाद में प्रिंट या पढ़ भी सकें ज़रूरत पड़ने पर। तो देखिए कुछ इस तरीके का पेज आ जाएंगे आपके पीडीएफ में, जितने भी पेज हैं सब आ जाएंगे इसमें। अगर आप पेज की रेंज देना चाहते हैं कि कुछ पेज ही चाहिए मुझे, तो आप वहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, और इसी नाम से मैं सेव कर दूंगा इसे। और ये मेरी फाइल सेव हो गई है, चलिए एक बार डेस्कटॉप पे चल के देख लेते हैं। देखिए मेरी फाइल सेव हो रही है, अभी जैसे ही ये सेव हो जाएगी आइकन में इसके पीडीएफ में मटेरियल का शो होना प्रारंभ हो जाएगा। अभी सेव हो ही रहा है, तो ये एक अच्छा तरीका है आप किसी भी आर्टिकल का ऐसे पीडीएफ बनाकर अपने पास सेव कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका प्रिंट भी कर सकते हैं और बाद में इसे पढ़ भी सकते हैं मोबाइल में, जैसे डालकर आप इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मेरी पीडीएफ अब सेव हो गई है, चलिए इसको ऐसे ड्रैग करके ले चलते हैं और पीडीएफ में ले जाकर यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ेंगे देखिए मेरी पीडीएफ आ चुकी है, ये देखिए मैंने यहाँ पे पेज सेव करे थे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मेरी 23 पेज की फ़ाइल है, अभी मैं दूसरे पेज पर हूँ, और 23 पेज का जो ये मटेरियल है मेरा सेव हो चुका है। तो ऐसे आप किसी भी आर्टिकल को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने दूसरी कमांड की ओर बढ़ते हैं, ये मेरा दूसरा कमांड है। यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे ये देखिए मैं एक फ़ोल्डर में अपने एक ड्राइव में चलता हूँ, अमन एक ड्राइव है मेरा, इसमें चलते हैं और यहाँ पे किसी भी फोल्डर में एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए मैं बैक स्पेस दबाकर फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, और ये देखिए मैं अभी फोल्डर के अंदर जाता चला जा रहा हूँ, और मैं और अंदर जा रहा हूँ, और देखिए मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको ये देखिए बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो आप बाहर की तरफ चले जाएंगे, और अल्ट लेफ्ट बटन ब्रैक बटन प्रेस करेंगे तो बैक चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ क्या शॉर्टकट यूज़ करना है आपको। ये देखिए बैक स्पेस दबाकर मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखिए प्रेस अल्ट राइट बटन फॉरवर्ड, मतलब जहाँ से अभी आप गए थे अब ये वहीं पे ले जाएगा जितना अंदर आप गए थे फोल्डर के। तो ये भी एक कमांड मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगला कमांड है दोस्तों हमारा तीसरा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम, ये देखिए एक फोल्डर है ऑल इंग्लिश नोट्स, और इसमें अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, सारे आइकन दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके का मेरे ये फोल्डर बनेगा यहाँ पे, और उसमें कुछ फाइल्स दिखाएंगे, और किस तरीके से ये काम करेगा इसको मैं अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करना है आपको इस पट्टी पर, और यहाँ टूल बार में जाना है, और यहाँ से न्यू टूल बार पर, यहाँ टूल बार में गए और न्यू टूल बार पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन
होगा, और यहाँ पे आपको अपना वही फोल्डर चुनना है, जैसे ये ऑल इंग्लिश नोट्स मेरे हैं, और यहाँ मैं इसको कर दूँगा, देखिए अभी ये यहाँ आ गया डेस्कटॉप पे ऑल इंग्लिश नोट्स। तो यहाँ से फ़ायदा ये है कि देखिए मुझे जैसे इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो भी दिखा देगा, प्लस उनके नाम भी दिखा देगा किस किस नाम से हैं। तो ये देखिए मैंने सेव कर रखे हैं, और बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ऐसे काफ़ी सारे फोल्डरों को लगा सकते हैं और ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे देखिए आपको स्पेशली क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करेंगे फिर यहाँ से फाइल को देखेंगे फिर खोलेंगे, तो यहाँ पे बार बार खोलने बंद करने से अच्छा है आप यहाँ से देख लो बाहर से कौन कौन सी फाइल है आपके पास। चलिए अब चौथा कमांड देख लेते हैं हम अपना। ये चौथे कमांड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोरल रीफ के बारे में ही पढ़ रहा था और अचानक से मैं अपने एड्रेस बार में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ और ही सर्च करने वाला हूँ, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और अचानक से याद आता है कि नहीं मुझे वापसी वही एड्रेस चाहिए जो अभी डला हुआ था। तो उसका एक कमांड है जिसको टाइप करके आप वापसी ला सकते हैं, ये देखिए प्रेस स्कैप बटन दबाएंगे आप तो आपका वापसी वही एड्रेस आ जाएगा जो आपके एड्रेस बार में था पहले। तो ये भी कमांड एक अच्छा लगा, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको अपने पांचवे कमांड की ओर ले चलता हूँ। अब पांचवे कमांड में जो है मेरी वो ये है कि जैसे हम देखिए कंट्रोल ई एड्रेस बार में आप एंटर कर सकते हैं, आपको गूगल सर्च जो है ये इसमें कंट्रोल ई करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको अपने माउस के कर्सर को लाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल ई करेंगे तो आपका एड्रेस जो गूगल सर्च एड्रेस बार है वो ब्लैंक हो जाएगा और इसमें आप अपना कुछ भी सर्च करके एंटर कर सकते हैं और वही ओपन होगा जो आपने लिखा है अपने सर्च बार में। तो ये एक कमांड शॉर्टकट है कंट्रोल ई, आपके क्रोम ब्राउज़र में ये काम करता है। चलिए अब हम अपने छठे कमांड की ओर चलते हैं। छठे कमांड में देखते हैं हमने क्या रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए टाइम प्लस अमेरिका मैंने लिखा, और देखिए यहाँ पे ये अमेरिका में जितने भी जगह हैं उन सब जगह का टाइम आ गया है, जैसे 12:35 हो रहे हैं अभी, और ये यहाँ पे देखिए 11:35 10:35 अलग अलग दिखा रहा है, शिकागो में, डेनवर में, फोनिक्स में, और सब अलग अलग जगह में ये सब दिखा रहा है। और यहाँ पे कंट्री का कुछ भी आप अपना नाम भी डाल के देख सकते हैं। सातवें कमांड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अपने गूगल सर्च में लिखना है $300 इन यूरोस, यहाँ पे इतना लिखकर आप एंटर करेंगे अपने गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये मैं भी चाहूँगा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है पर आ गया, देखिए ये देखिए यूरो में जो होगा ये 266.04 होगा, $300 का इतना बनता है यूरो में। और आप अलग अलग कंट्री का भी डाल के इसमें चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं रुपीज़ डाल देता हूँ, $300 का रुपीज़ कितना बनेगा, तो यहाँ दिखा रहा है देखिए 21,714 रुपये इंडियन रुपीज़ में इसका बनेगा $300 का। तो ये डॉलर आप यहाँ से ऐसे गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हैं। ये कमांड भी मेरे को अच्छा लगा, आप भी नोट कर लीजिए। और हम अपने आठवें कमांड की ओर बढ़ते हैं। आठवें कमांड में आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं, यहाँ देखिए मैं 35 लिखता हूँ प्लस
ब्रैकेट में 12 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखिए ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे 107 इसका आंसर आएगा। आप डायरेक्ट गूगल पे कोई भी संख्या डालकर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर एक ओपन हो जाएगा, उसमें आपका जो भी आंसर होगा वो दिखा देगा। वैसे आप कैलकुलेटर डाल के भी ओपन कर सकते हैं गूगल में, बट आप गूगल पे अगर डायरेक्टली डालेंगे तो भी ये आपका कैलकुलेशन कर देगा। चलिए अपने 9वें कमांड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा अंतिम कमांड है, इसमें देखिए ये लैंग्वेज हैं कुछ, ट्रांसलेटर मैंने खोल रखा है गूगल में, आप सभी को मालूम होगा कि ट्रांसलेटर कहाँ से ओपन होता है। तो यहाँ देखिए जैसे मैं ये आई लव यू लिखता हूँ, और अगर मैं इसी को, ये तो अपना हमने डाल दिया नॉर्मल जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और अगर मान के चलिए जैसे मैं इसे फ्रेंच में या फिर तमिल में किसी भी भाषा में जानना चाहता हूँ, तो देखिए इस तरीके से दिखा देगा अलग अलग लैंग्वेज में। यहाँ पे देखिए सब दिखाता है, जैसे यहाँ पे फ्रेंच में डाल के देखा था मैंने, ये देखिए अलग अलग लैंग्वेज इसमें दिखा रहा है। जिस भी लैंग्वेज में आपको अपनी भाषा का अर्थ जानना है वो यहाँ पे आप क्लिक करके, रशियन में देखिए कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये आप पता कर सकते हैं। और इसमें स्पीकर भी लगा होता है जिस पे आप क्लिक कर कर साउंड भी सुन सकते हैं, आवाज़ को सुन सकते हैं कि वो किस तरीके से बोला जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोर शोर के साथ। आगे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।